जनपद संभल के चंदौसी में एक बार फिर दिखी स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही। दुर्घटना में घायल व्यक्ति को नहीं दी गई एम्बुलेंस। उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग अपने कारनामों के लिए काफी बदनाम है और आए दिन स्वास्थ्य विभाग के कारनामों की तस्वीर भी सामने आ रही है। ऐसा ही एक मामला आज जनपद संभल के चंदौसी में स्थित सरकारी अस्पताल में सामने आया है, जहां पर दुर्घटना में घायल व्यक्ति को दुर्घटना के बाद पुलिस जीप में संयुक्त चिकित्सालय ले जाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। लेकिन स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही अब शुरू हुई, क्योंकि घायल व्यक्ति को उसके तीमारदारों ने ई रिक्शे में डालकर ले जा रहे थे और उसके ड्रिप भी लगी हुई थी। इस विषय में हमने घायल का इलाज करने वाले डॉक्टर दिग्विजय सिंह चौहान से पूछा गया तो उनका कहना था कि आपका डॉक्टर दिग्विजय सिंह चौहान जी, आप कहाँ पर और किस पद पर हैं? डॉक्टर साहब, अभी एक दुर्घटना एक्सीडेंट का एक केस आया था, उसमें क्या मामला है? वो उसके सीधे रात में रोड थी, उसकी हड्डी जो है सीधे रात में बाहर निकली हुई, काफ़ी खून उसका रह चुका आधा घंटे तक, उसको प्राथमिक उपचार आगे दे दिया गया और उसके बाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया। डॉक्टर साहब, एक स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही सामने आई है कि घायल को रिक्शे पे डाल के और ड्रिप की बोतल हाथ पे लटका के ले जाया जा रहा है, तो इसमें स्वास्थ्य विभाग ने एम्बुलेंस क्यों नहीं उपलब्ध कराई? ये स्वास्थ्य विभाग से जो एम्बुलेंस उपलब्ध कराई जाती है वो जिला अस्पताल के लिए कराई जाती है, किसी भी निजी अस्पताल के लिए नहीं कराई जाती। नहीं, अभी तो आपने कहा है कि हमने जिला अस्पताल के लिए रेफर किया है, जिला अस्पताल के लिए रेफर किया है, लेकिन उन लोगों का जो मन है वो यहाँ निजी अस्पताल में इलाज कराने का है, उसमें हम उनको ये कुछ मना भी नहीं कर सकते कि जो ले जाने वाले का मन है उसमें सरकारी आदमी कुछ नहीं कर सकता। अगर वो जिला अस्पताल ले जाते तो उनको बिल्कुल एकदम एम्बुलेंस उपलब्ध कराई जाती।